ये मैं जब लेक्चर दूंगा तब कैसे अभिव्यक्त होना चाहिए, और आप भी आत्मा हैं, और जब आप सुन रहे हैं तब कैसे अभिव्यक्त होना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक क्षण हम आत्मा है, नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव है, ये व्यक्त करना कैसी अद्भुत बात। यानी थोड़ा सा सोचने पे पता चल जाता है कि सारा जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम अभी प्रत्येक क्षण ये सोचते हैं कि हम देह हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अचेतन में चला गया है, हमारे संस्कार बन गए हैं कि हम जड़ हैं, हम देह हैं। और ठाकुर क्या कहते हैं, नहीं, सभी जगह ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, बाहर भी ब्रह्म है, ईश्वर सब जगत पर है। ये संस्कार गहरा, ऐसा गहरा होना जैसा अभी हम यह सोच रहे हैं कि हम जड़ हैं। सोचिए, यह है ठाकुर का, स्वामी विवेकानंद का संदेश, टू प्रीच एंड टू मेंटेन दैट डिविनिटी। और केवल सिखाना नहीं है, प्रीच, उपदेश दे दिया, ऐसा नहीं, इतना उसको सोचना है कि वो उसके सचेतन मन में चला जावे। और मतलब ये है कि जब सोए तो ये सोचकर सोए कि मैं देह नहीं हूं, ये नहीं, देह का भाव नहीं होना। अगर उसको जगाया जाए तो भी जब जागेगा तो वो लगेगा कि मैं आत्मा ही हूं, ये तो देह सो रही थी, अब देह रही है, ये देह सोई थी, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप। ये देखिए कितना गहरा, कितना बड़ा संदेश। हम इसको, श्री रामकृष्ण ने ईश्वर दर्शन किया तो ये श्री रामकृष्ण ने सबको बताया, छोटा सा संदेश। जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन, छोटा संदेश। लेकिन सोचिए, हमारे जीवन के जो संदेश हैं उनसे कितने भिन्न हैं। व्यक्ति का संदेश, पढ़ना लिखना, पैसा कमाना, भोग करना, संसार में रहना, बिल्कुल दूसरी चीज कह रहे हैं। ये कमाना, पैसा कमाना, शादी करना, ये तो बात ही नहीं की ठाकुर ने। पूरा पूरे वचनामृत में पढ़ लीजिए, देखिए ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और इसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देर हो गई है, हम लोग सब, अधिकांश लोग वृद्ध हो गए हैं, कोई बात, अभी समझ ले। ठाकुर का संदेश है ईश्वर दर्शन, स्वामी जी का संदेश है अपने देवत्व को, आत्मत्व को प्रकाश करना, अपने देवत्व को, डिविनिटी को पहचानना। मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मरने वाला नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि जो शास्त्र है, जिसे हम कहते हैं वेदांत है, वो भी यही बात कहते हैं। भक्ति शास्त्र भी कहते हैं, वो यही बात कहते हैं। वहां कभी पैसे कमा के और बिकने की बात नहीं है। भगवान का दर्शन करिए और भगवान के साथ रहिए। वेदांत में भी यही कहा गया, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, निर्विकल समाधि की बात कही, ये कहे कहा गया है। और जितना भी धर्म है, सारे सर्वत्र जो प्रचारित धर्म है, उसमें सारे में यही बात कही है। ईसा मसीह के भी क्या है, दो कमांडमेंट है, दो संदेश है। सब में, सारे धर्मों में यही बात, तो सर्वत्र यही बात है। और जब हम
कभी आश्रम में जाएं, कभी मंदिर में जाएं, सुबह शाम भगवान का दर्शन करने के लिए बैठें, ध्यान जप करें, तो ये बात हमेशा याद रहे। देवो भूत्वा देवम यजेत कहते हैं ना, जब हम भगवान के देवता की पूजा करें तब अपने को देवता समझकर पूजा करना, पहले मैं देवता बनूं उसके बाद में मैं देवता। तो ये है फंडामेंटल, उसको जीवन में कैसे उतारना, विवेकानंद साहित्य में सर्वत्र है और यहाँ भी यही बात चल रही है। आज ये बात हो गई कि शिल्प में, शिल्प में परिभाषा कहेंगे स्वामी जी, शिल्प हम समझते हैं कि मूर्ति बनाना इत्यादि, उसमें कैसे अभिव्यक्त करना। तो ये है बेलूर मठ में सन 1901 ईस्वी में ये जो चंद चक्रवर्ती हैं वे अपने एक मित्र राणा प्रसाद दास गुप्ता के साथ में, वो कलकत्ता जुबली आर्ट के अध्यापक थे, संस्थापक थे, उनको लेकर बेलूर मठ में आए हैं और स्वामी जी से उनका परिचय किया और उसके बाद में वो शिल्प के बारे में बात करने लगे। तो समझ में नहीं आ रहा शिल्प, मैंने सोचा अरे क्या इसको शिल्प करने से क्या हम लोग पढ़ेंगे करेंगे ये करेंगे। जब मैंने पढ़ा तो देखा स्वामी जी शिल्प की बात कर रहे हैं, वो तो गहराई में सुविधा कथा वार्ता होने लगी। स्वामी जी रेणुबादा बाबू से कहने लगे, पृथ्वी के प्राय सभी सभ्य देशों का शिल्प सौंदर्य देख कर आया, परंतु बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के समय इस देश में शिल्प कला का जैसा विकास देखा जाता है वैसा और कहीं नहीं देखा। अब देखिए शिल्प का भी विकास कब हुआ, बौद्ध धर्म के समय। या धर्म का विकास हुआ है वहां पर, जिसे हम सांसारिक वस्तु कहते हैं, शिल्प कहते हैं, कला कहते हैं, उसका भी विकास हुआ। मुगल बादशाहों के समय भी इस विद्या का विशेष विकास हुआ और इस विद्या के कीर्तिमान के समरूप में ताजमहल, जुम्मा मस्जिद आदि भारतवर्ष के वक्ष स्थल पर मिले। अब ताजमहल और जुम्मा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद तो मस्जिद है, मंदिर है, उधर शिव उपासना का स्थान है। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि ताजमहल जो है वो एक मुसलमानों की दृष्टि से तो वो तो ये है कि एक मजार है, मजार, हाँ मैंने मजार है, प्रेम का है, जो भी हो ठीक है। अच्छा, अब स्वामी जी आगे कहते हैं, मनुष्य जिस चीज का निर्माण करता है उससे किसी एक मनोभाव को व्यक्त करने का नाम ही शिल्प है। ये डेफिनेशन हुई है शिल्प की। किसी भाव को किसी क्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का जब निर्माण करना है तो किसी मनोभाव को उसके माध्यम से व्यक्त करना। एक मूर्ति बनाई तो मूर्ति का बनाना, उसमें कोई भाव, करुण भाव है, प्रेम का भाव है, क्रोध का भाव है, ये जब उस मूर्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होगा तब उसको कहेंगे शिल्प। ये स्वामी जी सीधी बात करते हैं, जिसमें ऐसे भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती उसमें रंग बिरंगी चकाचौंध रहने पर भी उसे वास्तव में शिल्प नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कहते हैं स्वामी जी, लोटा, कटोरे, प्याली आदि नित्य व्यवहार की चीजें भी उसी किसी प्रकार की किसी विशेष भाव को व्यक्त करते हुए तैयार करना चाहिए। और मैं अचानक तो नहीं कह सकता है, लेकिन यह भी कहीं कहीं स्थानों पर होता है। पेरिस प्रदर्शनी में पत्थर की बनी हुई एक विचित्र मूर्ति देखी थी स्वामी जी ने, और
अगर हम कहीं पर इस प्रकार के एग्जीबिशन वगैरह में जावे, जैसे मैसूर का क्या है प्रसिद्ध है, वो है मैसूर में तो एक बढ़िया प्रसिद्ध सरकारी है, वो कुछ एक वो अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ है, वो आधा आधा एक घूंघट के पहले हुए एक नारी का एक चित्र है, अत्यंत सुंदर चित्र है, बहुत ही सुंदर सुंदर रवि वर्मा के, हाँ बहुत सुंदर सुंदर। कहते हैं पेरिस में एक प्रदर्शनी में विचित्र मूर्ति दिखी, मूर्ति के नीचे उसका टाइटल क्या लिखा था, आर्ट आर्ट अनवेलिंग नेचर, आर्ट के द्वारा प्रकृति का आवरण निकाला जा रहा, अनवेल कर आर्ट प्रकृति के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है, घूंघट पड़ा हुआ है, कवि ने उसने आर्ट वाले ने उसको निकाला है, क्या मतलब शिल्प किस प्रकार अर्थात शिल्पी किस प्रकार प्रकृति के घूंघट को अपने हाथ से हटाकर भीतर के रूप सौंदर्य को देखता है। मूर्ति का निर्माण इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देवी के रूप का चित्र अभी स्पष्ट चित्रित नहीं हुआ है, प्रकृति देवी पूरी तरह से नहीं हुई है अभी तो। अब सोचिए चित्रकार कैसे चिंतन करते हैं, उनका चिंतन कैसा होता है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मुझे याद आया वो मैसूर के जो जो सरकारी उसमें एग्जीबिशन में उसमें है वो आधा घूंघट के प्रसिद्ध है, वो है वो चित्र आप पेपर में यानी इंटरनेट में जाएंगे तो वो आपको शायद आज मिल भी जाएगा। जितना चित्रित हुआ है उतने से ही सौंदर्य को देखकर मानव शिल्पी मुग्ध होया है, शिल्प जिसने बनाया है उसने देखा है, अगर प्रकृति ने तो अपना पूरा आवरण हटाया नहीं, प्रकृति ने थोड़ा आवरण हटाया उससे ही प्रकृति इतनी अच्छी दिख रही है, पूरा आवरण हटेगा तो कैसा होगा। अब देखिए अब इसको जरा सोचिए, प्रकृति का आवरण रात को सब अंधेरा है, सूर्य जब थोड़ा थोड़ा उग रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्रकृति दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें कितना सौंदर्य है। जाइए थोड़ा सा सूर्य उग गया हुआ है उसमें कितना सुंदर है, आधा आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, जब सूर्य पूरा उग गया तब क्या है सौंदर्य बढ़ गया, कहीं पर छाया है कहीं पर पूरा प्रकाश है, प्रकृति का सौंदर्य मानो पूरा हो, लेकिन जब आधा सौंदर्य था तो भी क्या वो कम सौंदर्य था, मानो जो कलाकार है वो यह बताने का प्रयत्न कर रहा है, जितना चित्रित हुआ है उतने के ही सौंदर्य को देखकर मानो शिल्पी मुक्त हो गया है, जिस शिल्पी ने इस भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की है उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं नहीं रहा जाता। आप ऐसा ही कुछ मौलिक भाव व्यक्त करने की चेष्टा कीजिए, हिरणदा बाबू जो कलाकार हैं शिल्पी हैं, रणता बाबू कहते हैं समय आने पर मौलिक यानी ओरिजिनल भाव की मूर्ति तैयार करने की मेरी इच्छा है, परंतु इस देश में उत्साह नहीं पाता, धन की कमी, उस पर फिर हमारे देश के निवासी गुणग्राही नहीं होते, थोड़ा सा ये भी तो लगता है मैं बनाऊँ इतना और कुछ कुछ प्रशंसा न करे देखे भी नहीं तो क्या होगा। स्वामी जी कहते हैं यदि दिल से
किसी भी किसी नई वस्तु को तैयार कर सके, यदि शिल्प में एक भी भाव ठीक ठीक व्यक्त कर सके तो समय पर अवश्य ही उसका मूल्य होगा। देखिए, किसी में प्रकृति में, आर्ट में, संगीत में या फिर कला में, चित्र में अगर कोई भाव व्यक्त होवे तो कोई ना कोई तो व्यक्ति मिल जाएगा जो उसको उसकी प्रशंसा करेगा, उसको वो अच्छा लगेगा, उसका वो मूल्य कर सकेगा। अब भजन गाते हैं, भजन में भाव होता है, भाव से ही तो भजन है। भाव भजन नहीं है तो वो ढंग 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 हो गया तो कुछ नहीं। तो इसमें आएगा भी, स्वामी जी कहते हैं विदेशी लोगों का जो कई बातें हैं उसमें और भारतीय उसमें वो अंतर बताएंगे इस चीज़ को। ऐसा भी सुना जाता है कि किसी किसी शिल्पी के मरने के 1000 वर्ष बाद उसकी कला का सम्मान हुआ। अच्छा, प्रणदा बाबू कहते हैं ये ठीक है, परंतु हमें जो अकर्मण्यता आ गई है इससे घर का खाकर जंगल की भैंस चराने का साहस नहीं होता। ये एक प्रवर्ब है, क्या है ये? घरेर खे बने, हाँ, घर का खा के खुद खाओ और दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न करो, क्या लाभ होगा? हमारा ही नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, लोग कोई अप्रिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ के ऐसे लोग ऐसे कर्मण्य हैं कि वो ये करने की मेरी साहस नहीं होती। 5 वर्षों की चेष्टा से फिर भी मुझे कुछ सफलता मिली है, आशीर्वाद दीजिए कि प्रयत्न कर व्यर्थ न हो। स्वामी जी कहते हैं आप यदि हृदय से काम में लग जाएं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो जिस संबंध में मैं मन लगाकर हृदय से परिश्रम करता है उसमें उसकी सफलता तो होती है, पर उसके पश्चात ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य को तन्मयता से करने से ब्रह्म विद्या तक की प्राप्ति हो जाए। ये देखिए, ये वो अध्यात्म जो है ये शिल्प में भी नहीं जा रहा है। वो पढ़ा मैंने जो प्रारंभ में इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा, यानी जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे ब्रह्म विद्या। स्वामी जी कहते हैं जिस संबंध में मन लगाकर हृदय से परिश्रम जो व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, उसमें सफलता तो होती है, लौकिक दृष्टि से सफलता हो गई। इसके चक्र चित्र की उन लोगों ने आज नहीं 5 साल बाद प्रशंसा की है और लोग कहने लगे वाह वाह कितना अच्छा चित्र बनाया है। लेकिन उसके पश्चात ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य को तन्मयता से करने पर ब्रह्म विद्या तक की प्राप्ति हो जाए। एकाग्रता से किया, भाव से किया, सब कुछ भूल कर किया, पूरे मन से किया। और मन का अर्थ यह भी है केवल कॉन्शियस मन नहीं, अचेतन मन भी उससे भरा हुआ है। सारा समय, दिन रात, सुबह शाम सब वही चिंतन। ऐसा गहरा यदि भाव हो तो क्या होगा, ब्रह्म विद्या तक प्राप्ति हो जावे। उससे मन धीरे धीरे एकाग्र हुआ और ये फिर उसके बाद में ब्रह्म विद्या की तरह, आत्मा अध्यात्म की तरह मन जब लगा तो आसानी से लग गया, पूरा मन लग गया। जो पहले नहीं था, अगर कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से पूर्ण रूप से सफल होवे, पूर्ण एकाग्रता से किसी कार्य को करता रहे, पूरे डेडिकेशन जिसे शब्द है ना, पूरी तन्मयता से पूरी पूरे मन को लगाकर किसी एक कार्य में, लौकिक कार्य में, पैसा कमाने के भी कार्य में अगर पूरे मन को लगा सके, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी प्रारंभिक तैयारी तो हो गई, एकाग्रता की प्रिपरेशन, एकाग्रता का अभ्यास तो हो गया उसको, बस इसको भगवान की ओर लगा दो, ब्रह्म की ओर लगा दो, कैसी अद्भुत बात। जिस कार्य में मन लगाकर परिश्रम किया जाता है उसमें भगवान भी सहायता करते हैं। जिसमें मन लगाते हैं, मन की एकाग्रता करते हैं, परिश्रम करते हैं तो भगवान भी सहायता करते हैं।
और अगर उसे कोई गुरु मिल जाए, उसे एक दिशा में लगा देवे, तो वो बड़ी आसानी से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। रणदादा बाबू ने पता नहीं ये बात समझी कि नहीं समझी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम लोग तो यहाँ पर सत्संग करने वाले हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं रणदा बाबू को ये समझ में आई कि नहीं। लेकिन स्वामी जी उसके बाद में आगे बात करेंगे, कुछ थोड़ा सा दूसरी बात करेंगे, लेकिन सब पूछा जाए उसके पीछे भाव एक ही रहेगा। रणदा बाबू कहते हैं, पश्चिम के देशों तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ अंतर देखा? यहाँ शिल्प की बात कर रहे हैं, यानी शिल्प वही बताया किसी वस्तु को बनाना जिसमें भाव प्रकट हो। तो पश्चिम में आपने देखा है और यहाँ पे देखा है, उसमें कुछ अंतर देखा क्या? प्राय सभी स्थानों में, स्वामी जी कहते हैं, सभी स्थानों में एक सा ही है, नवीनता का बहुधा अभाव है, सभी जगह एक प्रकार का है। उन देशों में फोटो यंत्र कैमरा की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। या भी आजकल तो अब आर्ट की बात, कोई पेंटिंग करता है नहीं करता है हम तो मालूम। अच्छा, वो अभी देखा मैंने महावीर जी के कमरे में राम जी का, राम दरबार का बड़ा सुंदर लगा, देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखा ना, राम दरबार बड़ा सुंदर अच्छा बना हुआ। तो राम दरबार अभी भी बनते हैं राम दरबार, क्योंकि राम नहीं थे ना उस जमाने में, यदि राम होते और उनका फोटो लिया होता ना तो आप राम भी नहीं मिलते। तो ठाकुर के चित्र अब बना नहीं सकते क्योंकि चित्र चार फोटो मिल गए हैं ठाकुर के, कोई चित्रकार जो है वो अलग से ठाकुर का चित्र बना नहीं सकता, बनेगा तो उसी तरह बनेगा। लेकिन राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, उनका फोटो नहीं हुआ, राम श्री कृष्ण हुए फोटो नहीं हुआ, इसीलिए तो इतने सारे शिल्प और इतनी सारी कला हुई है राम की और कृष्ण की, कितना सारा हुआ। मैं यही सोच रहा था, सोचा था कि दुर्भाग्य है कि ठाकुर के जमाने में कैमरा आ गया। अगर कैमरा नहीं होता, वो कहते ठाकुर की दाढ़ी थी, वो कपड़ा ऐसे पहनते थे, ऐसे चलते थे, तो कितने बनते, किसी कोई कोई छोटी दाढ़ी बनाता, कोई बड़ी दाढ़ी बनाता, कोई काले बाल बनाता, कोई आधे काले आधे सफेद बाल बनाता, क्या साफ बना देते ठाकुर को। तो जो हो उसका लाभ भी है और मैंने कहा ना एक दूसरा उसका पक्ष भी है। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि फोटो कैमरा की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्वीरें तैयार होती है, परंतु यंत्र की सहायता लेते ही नए नए भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है, मन के भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठाकुर में अगर हम कोई भाव व्यक्त करने, असंभव असंभव, एक ही चित्र बनेगा और कोई बनेगा। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तक से नए नए भाव निकालते तथा उन्हीं भावों को चित्रों द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र के होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और प्रयत्न लुप्त हो जाते हैं, परंतु प्रत्येक जाति की एक विशेषता है, आचरण में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, चित्र में, शिल्प में उस विशेष भाव का विकास होता है। सभी भाव में, भारत में जो है आहार खाने पीने में, यहाँ तक सभी बात कहते हैं, व्यवहार में, आहार विहार में, जाने में, चलने में, बातचीत करने में, वो भारतीय जाति का जो धार्मिक भाव है, अध्यात्म का भाव है, वो सभी जगह व्यक्त होता है। भोजन बनाना है तो ना ठाकुर के लिए बन रहा है, भोग बनाए लगाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में है जो वो घर में, अगर जो ऑर्थोडॉक्स पुराने जमाने के हों तो जो भी बनाएंगे तो पहले ठाकुर को चढ़ाएंगे, तो उसी प्रकार से भाव। तो ये भाव खाने में, पहनने में, आहार विहार में, सब में है। उदाहरण के रूप में देखिए, उस देश के संगीत और नृत्य सभी एक अजीब पॉइंटेडनेस है। विदेशों के संगीत पर हम तो जानते नहीं है, स्वामी जी ने तो सुना है, तो वो कहते हैं ना, उस देश के संगीत और नृत्य सभी में एक अजीब अजीब प्रकार का चुभाव है। स्वामी जी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, बंगाली में पता नहीं क्या है, चुभाव, तीखा,
या चुभना का भाव, प्रिकिंग भाव, पॉइंटेड भाव, है ना? वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत प्रेस करते हैं, बहुत प्रेस करते हैं। अब देखिए, मैंने पढ़ा हुआ है, समझे? नृत्य में ऐसा जान पड़ता है मानो वे हाथ पैर पकड़ रहे, पटक रहे हैं, ठीक है? ठीक, वाद्यों की आवाज ऐसी है मानो कानों में छुरा छुरा फोका जा रहा है। वाद्य की गायन गायन का भी यही हाल है, इधर अच्छा जो भी हो वहां पे वो पॉइंटेडनेस। इधर इस देश का नृत्य मानो सजीव लहरों की थिरकन, यानी भारतीय नृत्य तो कर उसका तो कहने ही नहीं, कई प्रकार के वो हैं, हम कथकली है और जो भी है भरतनाट्यम है, कई प्रकार के। इसी प्रकार गीतों के गमक मूर्छना में भी स्वरों का क्रमबद्ध सा राउंडेड मूवमेंट्स चलता जान पड़ता है, वो जरा घुमावदार समानो एक स्वर जो है वह एक दूसरे से मिला हुआ है, कोई चुभन का भाव नहीं है। अब ये हम तो जानते नहीं हैं, स्वामी जी इस बात को बता रहे हैं। वाद्य में भी यही बात है, तात्पर्य यह कि कला पृथक पृथक जातियों में पृथक पृथक रूपों में कला का विकास हुआ जान पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से कला का विकास होता है। जो जातियाँ बहुत ही जड़वादी तथा इस काल को ही सब कुछ मानने वाली हैं, वे प्रकृति के नाम रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प ही उसी के अनुसार भाव को प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो प्रकृति को ही मान लिया सत्य, तो नाम रूप को महत्व देने लग गए और शिल्प में भी उसी प्रकार भाव प्रकट करते हैं। परंतु जो जाति प्रकृति के अतीत किसी भाव की प्राप्ति को ही जीवन का चरम उद्देश्य मान लेती है, वह उसी भाव को प्रकृतिगत शक्ति की सहायता से शिल्प में प्रकट करने की चेष्टा करती है। यानी भारत में शिल्प या कला के माध्यम से भी क्या प्रकट होगा? शिल्प और कला के पीछे जो आध्यात्मिक भाव है, धार्मिक भाव है, ईश्वर का भाव है प्रकट होने का प्रयोग। और पाश्चात्य कला और शिल्प में क्या होगा? उसको सामने इतना बढ़िया चित्र बनाया, एक नारी की छोटी छोटी बातें अच्छी तरह बना दी, उसका कान अच्छा बना दिया, आंख अच्छा बना दिया, लेकिन ये भौतिक ही हुआ, नाम रूप के स्तर पर ही हुआ, भारत में ये नहीं हुआ। भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये स्वामी जी कहते हैं, प्रथम श्रेणी की जातियों का प्रकृतिगत सांसारिक भावों का तथा पदार्थ समूह का चित्रण ही कला का मूलाधार है। वही जो पाश्चात्य जातियां हैं उनमें क्या है, पदार्थ समूह का चित्रण ही कला का मूल आधार है। भौतिक वस्तु को किस प्रकार से स्पष्ट रूप से व्यक्त करना कला के माध्यम से, यह कहते हैं। और द्वितीय श्रेणी की जाति कला के विकास का मूल कारण है प्रकृति के अतीत इसी भाव को व्यक्त करना। प्रकृति के परे कुछ भाव है उसको व्यक्त करना। अब देखिए दुर्भाग्य हमारा है कि हम तो कला को जानते नहीं है, जो कलाकार है वो उसको अच्छी तरह समझ सकता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर कला के विकास में अग्रसर होने पर भी दोनों श्रेणियों का परिणाम प्राय एक ही हुआ। दोनों ने ही अपने अपने भावानुसार कला में उन्नति की। उन सब देशों में एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्रकृति का भ्रम होगा। ऐसा चित्र बनाया उन्होंने कि उन्हें लगा कि ये वास्तविक प्रकृति है। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक पर्दा बनाया, हाँ, उसको देख के लोगों को लगा उसको हटाने की कोशिश करने लगते, इतना सुंदर
प्रकृति का भी ऐसा वर्णन जो लगे कि सचमुच ये पर्वत ही है, ये चित्र नहीं। इस देश के संबंध में भी उसी प्रकार है। प्राचीन कला में स्थापत्य विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था, उस समय एक एक मूर्ति देखने से प्रतीत होता है मानो वह आपको इस जड़ प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन भाव राज्य में ले जाएगी। ऐसा चित्र बनाया, भाव इतना व्यक्त हो गया कि चित्र भूल गए, भाव में चले गए। जिस प्रकार आजकल उस देश में पहले जैसे चित्र नहीं बनते, उसी प्रकार इस देश में भी नए नए भावों के विकास के लिए कलाकार प्रयत्नशील नहीं देखे जाते। और दुर्भाग्य है कि आजकल तो ये मोबाइल फोन और सिनेमा कैमरा और ये सब इतना हो गया है, ये तो अब उसमें वो कहाँ कला की बात, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। सिनेमा हो गए हैं, सब सब जो देखना हो सब उसको मिल गया। देखिए ना, आप लोगों के आर्ट स्कूल के चित्रों में मानो किसी भाव का विकास नहीं है। यदि आप हिंदुओं के प्रतिदिन के ध्यान करने योग्य मूर्तियों में प्राचीन दीपक भावना को चित्र करने का प्रयत्न करें तो अच्छा हो। हमारी भारत की जो मूर्तियां हैं उनमें प्राचीन भावों को स्पष्ट उद्दीपन करने का भाव यदि ये सब प्रकट कर सकें तो अच्छा हो। स्वामी जी ये रणदा दास बाबू जो चित्र का कलाकार है उसको कह रहे हैं। रणदा तो कहते हैं, आपकी बातों से मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ, प्रयत्न करके देखूंगा, आपके कथनानुसार कार्य करने की इसकी चेष्टा करूंगा। साथ जी कहने लगे, उदाहरण स्वामी जी कहने लगे, क्या कहते हैं स्वामी, काली का चित्र ही के ले लीजिए। काली का चित्र, इसमें एक ही साथ कल्याणकारी और भयावह भावों का समावेश है ना। काली में है, एक तरफ है वरा भय करा और दूसरे में खड्ग और मुंड। और काली जैसा और कोई देवता नहीं, शिव जी तो बैठे ही रहते हैं आनंद में ही, विष्णु जो है कल्याण कर। एक काली में दोनों, दुर्गा में भी ऐसा नहीं, कैसा अद्भुत। और जिन संतों ने उनकी कल्पना की होगी कैसे, एक साथ कल्याणकारी तथा भयावह भावों का समावेश है, पर प्रचलित चित्रों में इन दोनों भावों का यथार्थ विकास नहीं हो देखा जाता। आजकल चित्र बनाए हैं लेकिन भाव प्रकट नहीं हो रहा। बना दिया लेकिन चेहरे का भाव भी तो होना चाहिए, विकास नहीं हो रहा है। पर इतना ही नहीं, इन दोनों भावों में से किसी एक को भी चित्रित करने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। या तो काली ऐसी बनाई जाए कि जो रुद्र मूर्ति वाली है, या फिर कोमल भाव है, दोनों में से एक भाव तो हो। अब जैसे अर्धनारीश्वर, मैंने कुछ देखे हैं उसमें, यहाँ तक कि आधा नारी का और आता तो ओठ भी, ओठ यहाँ पे पुरुष का ओठ, यहाँ पे स्त्री का। हाँ सब, यहाँ शरीर अलग है खड़े होने का, सब तो ये भारत की कला है भाई। अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट सोच लीजिए और उसको व्यक्त करना चित्र में या मूर्ति में, कैसी अद्भुत बात। तो स्वामी जी कहते हैं, इन दोनों में से किसी एक को भी चित्र करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। मैंने माँ काली की भीषण मूर्ति का कुछ भाव जगन माता काली द मदर नामक मेरी अंग्रेजी कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या आप उस भाव को किसी
चित्र के में व्यक्त कर सकते हैं। संहार मूर्ति, भूभीषण मूर्ति, जगन माता में काली के भीषण मूर्ति का भाव स्वामी जी ने उसको व्यक्त किया। मैं आज लाया हूँ उसको देखने के लिए। रणदा बाबू पूछते हैं किस भाव का। स्वामी जी ने शिष्य की ओर देखकर कहा अपनी कविता को ऊपर से ले आने को, और स्वामी जी ने आने पर उसे ये बात कही है। इसको मैं हम पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे फिर हिंदी पढ़ेंगे। द स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट, द क्लाउड्स आर कवरिंग क्लाउड्स, इट इज डार्कनेस वाइब्रेंट सोनेंट इन द रोरिंग वर्लिंग विंड, आर द सोल्स ऑफ ए मिलियन ल्यूनेटिक्स जस्ट लूजन फ्रॉम द प्रिजन हाउस, रेंटिंग फ्री बाय द रूल्स, स्वीपिंग ऑल फ्रॉम द पॉट, द सी हैज जॉइंड द फ्रे and swirls up mountain waves to reach the pithy sky. The flash of lurid light reveals on every side a thousand thousand shades of death, begrimed and dark, scattering play and sorrows, dancing mad with joy. Come, mother comes. Come. For terror is thy name, death is thy breath, and every shaking step destroys a world forever. Thou time, the all destroyer, come, O mother, come. Who dares misery love and hug the form of death, dance in destruction's dance, to him the mother comes. Famous है। और कहते हैं कि स्वामी जी ने ये एक मानो एक भाव में होके कहा था, और उसके बाद में मानो वो बेहोश जैसे ही हो गए। निवेदक के सहित दल के अन्य सदस्य बजरे में लौटे। वो स्वामी जी जब बजरे में थे, ये अमरनाथ यात्रा के समय की बात है, और भगिनी निवेदिता ने अपने द मास्टर एज आई सॉ हिम में वर्णन किया है, क्षीर भवानी अध्याय में। स्वामी जी के भाव जगत में जगन माता का चिंतन चल रहा था। एक दिन स्वामी जी ने कहा कि उनके मस्तिष्क में कितने भाव आच्छादित हो रहे हैं, उन्हें लिपिबद्ध न करने पर वे उद्वेग रहित नहीं हो पाएंगे। उसी दिन संध्याकालीन यात्रा के समाचार जब निवेदिता के सहित दल के लोग अन्य सदस्य बजरे में लौटे, तो इस कविता की हस्तलिपि तैयार पाई, तथा स्वामी जी निढाल अवस्था में स्पर्श पर गिर पड़े थे। बाद में पता चला कि अति तीव्र दिव्य प्रेरणा के भाव के आवेग में कविता रचना के पश्चात विश्रांत होकर स्वामी स्पर्श में लेट गए। इतने भाव हिंदी में उसको थोड़ा सा पढ़ लें। छिप गए तारे गगन के, बादलों पर चढ़े बादल, कांप कर गहरा अंधेरा गरजते तूफान में, शतलक्ष पागल प्राण छूटे, जल्द कारागार से द्रुम जड़ समेत उखाड़ कर हर बला पथ को साफ करके, शोर से आ मिला सागर शिखर लहरों के पलटते, उठ रहे कृष्ण नभ का स्पर्श करने के लिए द्रुत। जितने कठिन कविता है उतना कठिन उसका अनुवाद। किरण जैसे अमंगल की हर तरह से खोलती है, मृत्यु छाए सहस्त्रों देह वाले घनी काली, आधी व्याधि बिखेरती ए नाचती पागल पुलस्कर, आ जननी आ, नाम है तेरा आतंक, मृत्यु तेरे श्वास में है, तेरा चरण उठकर विश्व को मिटा रहा है, तू समय है सर्वनाशिनी, आ जननी आ, साहसी जो चाहता मृत्यु मिल जाना दुख से, नाश की गति नाचता माँ उसी के पास। स्वामी जी ने एक ऐसा कठोर मानो एक कविता जैसे लिखी है, मृत्यु का मानो चिंतन, मृत्यु का वर्णन उन्होंने इस प्रकार के किया है। तो स्वामी जी ने कविता करके सुनाई उनको, शिष्य को बोला कि कविता ले आओ, और लेकर उन्होंने जब पढ़कर सुनाया तो
उस समय शिष्य को ऐसा लगा मानो महाप्रलय की संहार मूर्ति उनके कल्पना चक्षु के सामने नृत्य कर रही है। रणदा बाबी भी उस कविता को सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गए। दूसरे एक क्षण उस चित्र को अपनी कल्पना की आंखों से देखकर रणदा बाबू ने कहा, बाप रे, कहकर भय चकित दृष्टि से स्वामी जी की मुख की ओर ताकने लगे। बाप, क्या वर्णन है, भयंकर काले का, मृत्यु का, संहार का रूप और वो नृत्य तांडव, मृत्यु का तांडव। स्वामी जी कहते हैं, क्यों इस भाव को व्यक्त कर सकोगे चित्र में? रणदा बाबू कहते हैं, प्रयत्न करूंगा, पर उस भाव की कल्पना से ही मेरा सिर चक्कर खाता है। जब तक इसको भाव को हम समझने लगे उसको वह नहीं तब करना चित्रकार। उसके बाद फुटनोट है, शिष्य स्वयं रणदा दास बाबू के साथ रहता था। उसे ज्ञात है कि रणदा बाबू ने घर पर लौटकर दूसरे ही दिन उस प्रलय तांडव में उन्मत्त चंद्रन की मूर्ति चित्र करने का आरंभ किया। आज भी वह अर्ध चित्रित मूर्ति आधा ही बना है। रणदा बाबू के आर्ट स्कूल में मौजूद है, हमने किसी ने देखा। अब रणदा बाबू के आर्ट स्कूल में जाकर देखिए कितने लोगों ने देखा हो। स्वामी जी ने को वो फिर दिखाई नहीं गई, क्योंकि स्वामी जी क्या, जब पूरी नहीं हुई तो क्या स्वामी जी देखें। स्वामी जी कहते हैं, चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुंदर बनाने में जो कुछ चाहिए मैं उसको बता दूंगा। जब तक कोई व्यक्ति जो चित्रकार है उसको पूर्ण रूप से कल्पना नहीं आ सके तो वो कैसे करेगा, और ऐसी भयानक कल्पना कैसे करना, असंभव असंभव। इसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए सर्प द्वारा घेरे हुए कमल दल विकसित रथ के बीच में हंस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था उसे मंगवा कर रणदा बाबू को दिखाया और उसके संबंध में उनकी राय व्यक्त करने को कहा। रणदा बाबू तो पहले उसको समझ ही नहीं सके, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? स्वामी जी ने उसको बताया कि जो तरंग पूर्ण जल है वो कर्म का प्रतीक है, कमल भक्ति का, उदयमान सूर्य ज्ञान का, चित्र में सांप जो है वह कुंडलिनी शक्ति और योग का द्योतक है, चित्र में जो हंस है वह परमात्मा का है। अर्थात ज्ञान कर्म भक्ति और योग के सम्मिलित होने से परमात्मा का दर्शन होता है। रणदा बाबू कहने लगे, यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्प कला सीख सकता तो वास्तव में कुछ उन्नति होती इत्यादि। इसके बाद स्वामी जी भविष्य में रामकृष्ण मठ और मंदिर को तैयार करने की जो इच्छा है उसका खाका, मठ का जो स्केच है उसका खाका बनाया। विज्ञानानंद जी ने जो किया था उसको उनको स्केच दिखा कर कहा, इस भावी मंदिर के निर्माण में प्राच्य और पाश्चात्य की सभी शिल्प कलाओं का समन्वय करने की इच्छा है। मैं पृथ्वी पर घूमकर हर शिल्प के संबंध में जितने भाव लाया हूँ उन सभी को इस मंदिर में निर्माण के विकसित करने में चेष्टा करूंगा, इत्यादि इत्यादि किया है। लेकिन हम तो समझते नहीं है उसको, और मंदिर में कैसा है, मंदिर में प्रार्थना गृह के को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर ठीक आकार की धारणा होगी, विराट प्रार्थना घर होगा, 1000 व्यक्ति बैठकर उसमें ध्यान जप कर सकें। स्वामी जी तो ये कहते हैं, दो मूर्तियां इस प्रकार की हैंगे, एक सिंह और भेड़ मित्रसा के साथ एक दूसरे को चाट कर रहे हैं, ये तो है नहीं वहाँ पे, है क्या? देखो हम तो देखा नहीं। अर्थात महाशक्ति और महाविनम्रता मानो प्रेम से एकत्र हो रहे हैं, मन ये सब भाव आ रहे हैं, यदि जीवन रहा तो कार्य में परिणत करूँगा, नहीं तो भविष्य की पीढ़ी इसको करेगी। मुझे लगता है कि श्री रामकृष्ण देश में की सभी प्रकार की विद्या और भाव में प्रचार प्राण संचारित करने के लिए आए हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण के इस मठ में को इस प्रकार संघटित करना होगा कि इसके मठ केंद्र के से धर्म कर्म विद्या ज्ञान तथा भक्ति का संचार समस्त संसार में हो जाए, इसमें आप सहायक बने इत्यादि।
इसलिए श्री राम कृष्ण के इस मठ में को इस प्रकार संघटित करना होगा कि इसके मठ केंद्र के से धर्म कर्म विद्या ज्ञान तथा भक्ति का संचार समस्त संसार में हो जाए, इसमें आप सहायक बने इत्यादि। स्वामी जी फिर कहने लगे, आप शिल्प विद्या की यथार्थ आलोचना करते हैं, इसलिए आज उस विषय में चर्चा हो गई। शिल्प के संबंध में इतने दिन चर्चा करके आपने उस विषय में जो कुछ सार और उत्तर भाव समझा है उसे मुझे सुनाइए। रंधा बाब के मैं आपको नई बात क्या सुनाऊंगा, आपने ही आज मेरे को इस विषय में आंखें खोल दी है। शिल्प के संबंध में इस प्रकार ज्ञान पूर्ण बातें इस जीवन में इससे पूर्ण कभी नहीं सुनी इत्यादि। इस प्रकार से उस समय बाद स्वामी जी ने मनि मन गुनगानाते हुए श्री राम कृष्ण का एक गीत गाने लगे, परम धन परश मणि, यह गाना है, परम धन वह परश मणि, संयत मन परम धन है जो अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करता है। श्री राम कृष्ण का एक गाना गाने लगे। इस प्रकार टहलते हुए हाथ मुंह धोकर अपने मंजिल कमरे में आए और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के शिल्प संबंधी अध्याय का कुछ समय तक अध्ययन किया। एक पॉइंट जब लेते थे स्वामी जी तो उसको पूरा किया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी जो शिल्प है, कल्चर क्या है इंग्लिश में, उसको शिल्प क्या कहेंगे। अध्याय समाप्त पूर्ण करने के पूर्व बंगाल की भाषा का उच्च प्रणाली के विषय में शिष्य के साधारण रूप में हंसी हंसी मजाक करते। इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट विषय, एक विभिन्न नया विषय हमने आज पढ़ा शिल्प के संबंध में। अगली बार इसके आगे पाठ करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय।